हेलो दोस्तों, जय श्री राम और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक शैडो में। आज की इस वीडियो में कुछ बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। आज जैसे कि आप सभी जानते हैं, 1 तारीख है, 1 मार्च है आज, और आज महाशिवरात्रि भी है। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप सभी के साथ हमारी प्रार्थनाएं हैं और महादेव हमेशा आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के जो आपस में तनावपूर्ण माहौल अभी चल रहा है, दोनों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि धीरे धीरे अगर ये यहाँ पर नहीं थमा तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि कुछ कंट्रियाँ जो हैं वो यूक्रेन को सपोर्ट करेंगी और कुछ कंट्री जो है वो रशिया को सपोर्ट करेंगी। तो इस तरीके से अगर ज़्यादा इसमें कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं और एक दूसरे का साथ देती हैं तो ये धीरे धीरे इस लड़ाई से, ये लड़ाई भी काफ़ी भयानक चल रही है, इससे और ऊपर लेवल पे भी जा सकती है, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी जा सकती है। जैसा कि अभी यूक्रेन में, मैं आपको बता दूं कि अभी इस टाइम पे डोनेशन चल रहा है, यानी कि लोग जो हैं वो डोनेशन कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का। तो जब भी किसी दो देश के बीच में युद्ध होता है तो नॉर्मल सी बात है कि अर्थव्यवस्था डगमगाती है, क्योंकि युद्ध में पैसे भी खर्च होते हैं और GDP भी उनके नीचे आती है और अर्थव्यवस्था पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो उस चीज़ में क्या है कि अभी लोग यूक्रेन ने कुछ अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके ज़रिए अगर कुछ लोग उनको सपोर्ट करना चाहें तो वो क्रिप्टो करेंसी उनको डोनेट करके क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भी उनको सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट जो है काफ़ी दिनों से नीचे चल रही है, थोड़ा बहुत पंप और थोड़ा बहुत डंप, ये लगातार देखने को हमें मिल रहा था। बिटकॉइन की अगर बात करें तो 28 फरवरी को लास्ट वो 30 लाख के आसपास चल रहा था, और बाकी अदर कॉइन्स की अगर हम बात करें, इथेरियम वगैरह भी काफ़ी डाउन में थे, और अभी लगभग सारी क्रिप्टो करेंसी जो है वो हमें ग्रीनरी दिखाई दे रही है, चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन है और सारी क्रिप्टो करेंसी जो है वो अप में जा रही हैं, फिलहाल अभी पंप हो रही हैं जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसे में ये मार्केट जो है फिलहाल पंप क्यों हो रही है, पंप इसलिए हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें डोनेशन कर रहे हैं, यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए जो भी उसके सपोर्टर्स होंगे वो क्रिप्टो करेंसी डोनेट कर रहे हैं यूक्रेन को, ताकि उसको फिर वो बाद में उसमें जब भी उसको ज़रूरत पड़े तो इनको विड्रॉल करके किसी भी चीज़ को उनको आवश्यकता पड़ेगी वो चीज़ में उसको यूज़ करेंगे। तो इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। अगर बात करें शिबा इनू की, तो शिबा इनू भी आपका 18 की सीरीज में चल रहा था, लगभग 28 फरवरी के आसपास, यानी फरवरी लास्ट में 0.0018 की सीरीज में चल रहा था इंडियन रुपीज में, बट अभी फिलहाल जब मैंने ये वीडियो बनानी शुरू की तो वो 18 से एकदम से जंप करके 22 की सीरीज में आ चुका था, यानी कि 0.0022 पॉइंट कुछ में चल रहा था, अभी एकदम से उसमें 15% का उछाल हुआ है। और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि जो ज्यादा से ज्यादा लोग डोनेशन कर रहे हैं यूक्रेन के लिए, बिटकॉइन और इथेरियम, ये दो क्रिप्टो करेंसी को डोनेट कर रहे हैं यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए। तो ये एक अच्छी खबर भी हो सकती है मार्केट ऊपर जाने के लिए, बट ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो मार्केट जो है वो नीचे डंप नहीं हो सकती है। अभी फिलहाल डोनेशन चल रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, बट जब यूक्रेन इस डोनेशन को जब विड्रॉल करेगा अपने इस्तेमाल करने के लिए, तो मार्केट वापस से डंप भी हो सकती है, नीचे भी जा सकती है, क्योंकि सिचुएशन ही इतनी क्रिटिकल बनी हुई है क्रिप्टो करेंसी को लेके। पहले 2019 में कोरोना आ गया, कोरोना के कारण क्रिप्टो करेंसी में भी काफ़ी मार्केट में क्रैश देखने को मिला था। बिटकॉइन जहां 50 लाख की कीमत तक पहुंच चुका था इंडियन रुपीज़ में, वो 24 या 26 लाख के आसपास तक वो पहुँच गया था। अभी वापस से रिकवरी करते हुए धीरे धीरे अपने रिकवरी मोड में आ रही हैं सारी क्रिप्टो करेंसी। कब तक वापस रिकवर करेंगी, ज़्यादा बेनिफिट देंगी, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, बट फिर भी क्रिप्टो करेंसी जो है वो धीरे धीरे थोड़ा डंप और थोड़ा पंप के साथ लगी हुई हैं ऑल टाइम हाई को अचीव करने के लिए। तो इसमें जैसा मैंने आपको बताया था कि होल्ड इज़ गोल्ड, इफ़ यू कैन होल्ड यू विल गेट गोल्ड, गोल्ड मतलब प्रॉफिट। तो अगर आप इसमें होल्ड करके रखते हैं, लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं, तो संभावना होती है कि इसमें आपको कुछ प्रॉफिट मिल सकता है। बट फिर भी मेरे सजेशन के हिसाब से अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा क्रिप्टो करेंसी की सबसे अच्छी एप्लीकेशन है। जो लोग नए हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनके लिए भी ये काफ़ी इजी एप्लीकेशन है Coin DCX, तो उसका मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करेंगे तो आपको बोनस में क्रिप्टो करेंसीज भी मिलेंगी। लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। कितना इसमें इन्वेस्ट करना है, इसके लिए आपको मैं कुछ सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि इसके लिए आप खुद ही अपनी रिसर्च कीजिए, और मिनिमम अमाउंट से, यानी कि मिनिमम मतलब बहुत ही कम अमाउंट से आप इसमें शुरुआत कीजिए,
क्योंकि काफ़ी रिस्की मार्केट है, तो इसमें डूबने का भी खतरा ज़्यादा होता है, उतना ही खतरा डूबने का होता है जितना प्रॉफिट का होता है। हाई रिस्क भी है और हाई रिटर्न भी है, तो उसी के हिसाब से आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए और बहुत ही मिनिमम अमाउंट से इसमें स्टार्टिंग कीजिए, ताकि अगर लॉस होता भी है तो उतने का लॉस हो जाए जितने में कि आपके ऊपर, आपके बजट के ऊपर, आपकी जेब के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने से पहले जिस भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, पहले उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बारे में थोड़ी रिसर्च बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल क्या, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिसर्च। रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट करें और बहुत ही मिनिमम अमाउंट से शुरुआत करें। जब कई महीने निकल जाएंगे इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, मार्केट जब भी पंप होगी आप उसको विड्रॉल करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे या लॉस बुक करेंगे, तो उस हिसाब से जिस तरीके से आप धीरे धीरे इसमें कोशिश करते रहेंगे और बहुत ही मिनिमम अमाउंट से कीजिएगा, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और पता लग जाएगा कि कौन से क्रिप्टो करेंसी में कौन सा जो क्रिप्टो है वो कितना पंप ले सकता है, कितना डंप हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट इसमें आप लगा दें और कल को वो पैसा डूब जाए। तो इस तरीके की गलती कभी मत कीजिएगा। मिनिमम अमाउंट से अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू करें, पहले कुछ महीनों तक अपना एक्सपीरियंस गेन करें, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएं। उम्मीद करता हूं कि क्रिप्टो करेंसी की जो ग्रीनरी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, मार्केट पूरी की पूरी इस टाइम पे ग्रीन चल रही है। शिबा इनू 15% प्लस में चल रहा है। बिटकॉइन 30 लाख से जंप करके 35 लाख के आसपास पहुंचने के कगार पे है, पहुंच भी चुका है। ये थोड़ा सा संकेत अच्छा हो सकता है, बाद में डंप भी हो सकती है जैसा मैंने आपको बताया। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो तो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी न्यूज़, कोई भी अपडेट आती है तो आप उसको मिस ना करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक बार फिर से आप लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय श्री राम और हर हर महादेव।